ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़सर थाना के तहत एक पिता द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बड़सर थाना क्षेत्र के तहत बिजड़ी की एक 17 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता का कहना है कि 8 साल पहले भी पिता ने उसके साथ ये हरकत की थी, इसके बाद अब फिर से पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हिरासत में लिया है। दोनों का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़सर थाना के तहत एक पिता द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में बड़सर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और दोनों का मेडिकल करवाया जा रहा है। बड़सर थाना क्षेत्र के तहत बिजड़ी की एक 17 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता का कहना है कि 8 साल पहले भी पिता ने उसके साथ यह हरकत की थी, इसके बाद अभी फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दोनों का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर एसपी अरिजीत सिंह ने कहा कि महिला पुलिस थाना में 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने ही पिता के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाबालिग ने कहा कि 8 साल पहले भी पिता ने उसके साथ ये हरकत की थी, इसके बाद अभी फिर से पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। दूसरा केस जो है वो आज आया है, हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक 17 वर्षीय विक्टिम ने अपने ही फादर पे एलिगेशन लगाए हैं कि 8 साल पहले उनका उनके साथ रेप किया गया था और फिर वो जो है उनके साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद हमने उनको भी डिटेन कर लिया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में रिश्ते एक बार फिर से तार तार हुए हैं। यहाँ सौतेले बाप ने नाबालिग बेटी की आबरू लूटकर मानवता को शर्मसार किया है। मानसिक रूप से अक्षम लड़की स्पेशल बच्चों के स्कूल में पढ़ती है। कुछ दिन पहले वह अपने घर आई तो वहाँ सौतेले बाप ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। बेटी ने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब वह वापस स्कूल गई तो उसने अपनी अध्यापकों को सारी बात बता दी। अध्यापिका ने मामला पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया है। इसके बाद आरोपी बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के उपरांत उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। जानकारी के अनुसार मामला उपमंडल बोर्ज का है। सुनील कुमार निवासी उपमंडल बोर्ज पर दुराचार के आरोप लगे हैं। पुलिस की माने तो नाबालिग बेटी के साथ उसने दुराचार किया है। नाबालिग एक स्पेशल बच्चों के स्कूल में पढ़ती है। हालांकि पहले तो दुराचार के बाद डरी सहमी बच्ची ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन जब वापस स्कूल गई तो उसकी अध्यापिका ने उसकी मनोदशा समझ ली। उसके बाद मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया है तथा उसकी माता के बयान भी कलम बंद किए हैं। हमीरपुर एसपी अरिजीत सिंह ने कहा कि महिला पुलिस थाना में पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ यौन शोषण की एक शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एसपी ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उनको 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। महिला पुलिस थाना हमीरपुर में एक शिकायत आई थी, जिसके उपरांत हमने एफआईआर 60 नंबर एफआईआर जो है वो रजिस्टर की है। 376 की सेक्शंस और पोक्सो एक्ट की सेक्शंस जो है इसमें लगी हैं, क्योंकि विक्टिम जो है उनकी शी इज़ अ माइनर, उनकी उम्र छोटी है, मतलब 18 से नीचे है। इसी जिसमें उन्होंने एलिगेशन अपने स्टेप फादर पे लगाए हैं सेक्सुअल एक्टिविटी का। 8 नंबर मुकदमा महिला पुलिस थाने में रजिस्टर किया गया है। उसमें हमें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला था। कोर्ट में आज उनको पेश किया गया, उसके बाद अब उनको 14 दिन का जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है।